हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी जेई का कटअप के बारे में बात करेंगे, जो कि सभी जोन का कटअप हमने तैयार किया है यहाँ पे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जब से आंसर की आया है, ठीक है, आंसर की जब से आया है तब से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि कितने मार्क्स आ रहे थे। जब वो एग्ज़ाम देकर आए थे, ठीक है, तो उनका कुछ कुछ मतलब काफ़ी अंतर था, और अभी के अभी मतलब जो आंसर किया है उसके उसमें काफ़ी अंतर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा बात है कि जब एग्ज़ाम हुआ था सभी लोग बोल रहे थे कि 140 130 करके आया हूँ, कम से कम तो 120 मार्क्स तो आ ही जाएगा, 110 मार्क्स तो एकदम कन्फर्म है, ऐसे सब लोग बोल रहे थे। लेकिन अभी कुछ एनालिसिस किया जा रहा है तो कुछ कुछ और ही देखने के लिए मिला जा रहा है। ऐसे में आपको प्रूफ्स के साथ बताऊंगा कि कितना कटअप जाएगा, कितना इतना कटअप क्यों कम जाएगा और क्या कारण है, मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग फ्रेंड्स वीडियो से बने रहिएगा। और देखिए आपको मैं बताता हूँ पहले कि कटअप बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है। फ्रेंड्स क्या होता है कि जितना भी लोग होता है कमेंट करते हैं, ठीक है, जब भी यूट्यूब में कमेंट करते हैं, अगर मान लीजिए उनका 80 आ रहा है तो हमेशा बोलते हैं 82 और 85, ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं। और इस टाइप से कमेंट अगर देखें तो इतने ही मार्क्स आ रहा है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं कुछ प्रूफ के तौर पे कि कितना कटअप जा सकता है, कि कटअप कम जाएगा तो क्या कारण है। थोड़ा सा आप लोग वीडियो से बन लीजिए, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ पहले, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दिखाते हैं बहुत सारे, लगभग हम कम से कम 1000 कमेंट पढ़े होंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारा नोट किया, उसके बाद ही मैं एनालिसिस किया हूँ कि कितना कटअप जा सकता है। ऐसा यहाँ कोई फेक नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 65 गया है, ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 100 गया है, ठीक है, इतना ही जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे आप आइएगा, धीरे धीरे कमेंट को थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 62 गया है, ठीक है, यहाँ पे 60 गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे अगर 60 इतना तक कोई बता रहा है तो कहीं ना कहीं, देखिए हर कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन जहाँ तक कि मेरा मानना है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कमेंट को क्या होता है कि अपना थोड़ा सा मार्क्स कम बताते हैं, ठीक है, कम होता है लेकिन ज़्यादा बताते हैं, ठीक है। देखिए 94 है, और थोड़ा सा ऊपर आइए आप लोग, देखिए यहाँ पे 86 है, समथिंग यहाँ पे 89 ही है, ठीक है। और देखिए जो कि बहुत ही कम कटअप है, देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो थोड़ा सा ये कमेंट किए हैं, मजाक किए हैं थोड़ा सा, देखिए इनका, देखिए देखिए 66 गया है, यहाँ पे 85 मार्क्स गया है, 69 ही गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पूरा निचोड़ को देखें, ठीक है, अगर हम पूरा निचोड़ को देखें तो कोई खास ही कटअप नहीं। देखिए 54 गया है, स्टीम मैकेनिकल है, ठीक है। देखिए इस सब को हम देखते हुए, और आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं, देखिए आप प्रीवियस ईयर जाइएगा, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर में, उसका कटअप देखिए आप, तो बहुत ज़्यादा नहीं गया, कम से कम देखिए 80 तो कहीं गया ही नहीं, लगभग देखिए 75 गया है, ठीक है, कहीं 60 गया है, देखिए इतना गया है। तो उसके अनुसार से हमने यहाँ पे कितना, अगर 20 मार्क्स बढ़ाया हूँ, 15 मार्क्स बढ़ाया हूँ, उसके बाद भी कटअप कम जा रहा है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि 2015 में जो कि इजी, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऐसा भी बात नहीं है दोस्त। अब उसके पीछे जाइएगा, देखिए 65 है, 65 ही है, ठीक है आपको, और आगे नीचे जाइएगा, देखिए फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इतना कुछ देखने के बाद, ठीक है, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि आखिर कटअप कितना जा सकता है। आप अपने यूट्यूब पर जाइए, कोई भी देखिएगा, वहाँ पे हर कोई का कमेंट, यहाँ पे ऐसा बात नहीं है कि यूट्यूब बहुत कोई नहीं यूज़ करता है, यूज़ तो हर कोई करता है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि कटअप कम जाने का कारण क्या हो सकता है, ऐसा क्यों है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रत्येक जोन का कटअप, और उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितना कटअप किस जोन का गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है कटअप बनाया है, ठीक है, वो ब्रांच वाइज यहाँ पे नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी कटअप यहाँ पे बहुत सारे लोग का ऐसा कि मार्क्स अभी शेयर नहीं हो पाए हैं सही ब्रांच का, तो मैंने एक जोन वाइज एनालिसिस किया हूँ और उसके अनुसार से यहाँ पे कटअप में लाया हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी मैं लाया हूँ, जो भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये क्या रहेगा, नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं होंगे फ्रेंड्स, मतलब रॉ मार्क्स रहेंगे, क्या रहेंगे, रॉ मार्क्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे है कि जो भी कटअप मैं दिखा रहा हूँ, इसमें सभी लोग के बारे में बता रहा हूँ, सभी जोन में कम से कम आप देखिए प्लस टू और माइनस टू कीजिएगा, और +5 और -5 को लेकर चलिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना डिफर करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, जोन को देखना बाकी है, इसलिए अब इतना आपका डिफर करना एकदम जायज़ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रत्येक जोन का कि किस जोन का कितना कितना के जाने का अनुमान है। देखिए हमने ऐसा बात नहीं है कि मैं यहाँ कोई मतलब अपने जाने बना सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक
जब से कटअप आया है तब से देखिए अभी तक हमने अभी तक इतना दिन मतलब इतना देर तक एनालिसिस किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने कटअप निकाला है। कटअप मैंने कैसे एनालिसिस किया मैंने पीछे दिखाया आपको कमेंट पढ़ के, ठीक है। देखिए इतना सारा, अब हम बात करते हैं कि कमेंट किस किस मतलब कितना कितना कमेंट के भरने के बाद हमने कितना कितना कटअप यहाँ पर जारी किया। देखिए फ्रेंड्स गुवाहाटी बोर्ड का जो कि है, ठीक है, यहाँ पर 82 से 90 जाएगा किसका, जनरल रिलेटिव। देखिए अब फिर बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो है रॉ मार्क्स का है, ठीक है, रॉ मार्क्स मैंने लिखा है। किसी का नॉर्मलाइज बढ़ेगा किसी घटेगा ऐसा बात नहीं है कि मतलब ये मतलब किसी हर किसी का मतलब घटता ही है, फिर जोन पे डिपेंड नहीं करेगा, सब कुछ डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग चीज़ को देखिएगा रॉ मार्क्स है, ठीक है। देखिए ओबीसी के लिए कितना, 75 से 80 गया है, वो कहाँ कौन सा बोर्ड का है, गुवाहाटी बोर्ड का है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं एससी के लिए, एससी के लिए कितना जाएगा, 65 से 70 जाएगा, ठीक है। उसमें प्लस माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, जो ने बताया है, ठीक है, प्लस माइनस 2 से लेकर प्लस माइनस 5 तक कर लीजिएगा। और एसटी के लिए 50 एस सी छूट गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं कौन सा बोर्ड है मेरा, रांची बोर्ड। रांची बोर्ड के लिए बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए जनरल के लिए 85 से 95 जाएगा, ठीक है। ओबीसी के लिए क्या है, ओबीसी के लिए 76 से 80 जाएगा, ठीक है, और एससी के लिए 70 से 78 जाएगा, और एसटी के लिए 65 से 70 जाएगा। देखिए फ्रेंड्स फिर से बताता हूँ, ये रॉ मार्क्स है, ठीक है, रॉ मार्क्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं स्किप कर जाते हैं, ठीक है, और बाद में पूछते हैं कमेंट में कि क्या क्या है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जनरल के लिए यहाँ पे है गोरखपुर के, गोरखपुर बोर्ड के लिए, देखिए फ्रेंड्स गोरखपुर बोर्ड के लिए क्या है, जनरल के लिए कितना है, जनरल के लिए है 81 से, एक सेकेंड फ्रेंड थोड़ा सा, यहाँ पे 81 से 88 तक है, और ओबीसी के लिए 72 से 78 है, ठीक है। आपको बताता हूँ कि एससी के लिए यहाँ पे 66 से 70 गया है, और एसटी के लिए 58 से 64 गया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं अभी जो सब ब्रांच वाइज कटअप लेकर आऊँगा, ठीक है, वो जल्द ही लेकर आऊँगा फ्रेंड्स, और मैं सटीक लाऊंगा, ऐसा बात नहीं कि एनालिसिस करके लाऊंगा पूरा, ऐसा बात नहीं कि मैं जैसे जैसे बनाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपने नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और मैं वीडियो जो बनाऊँगा फ्रेंड्स पूरा एनालिसिस के साथ बनाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे, अभी कम से कम हमने यहाँ एक लगभग 1000 कमेंट पढ़ा है तब जाके मैंने ये यहाँ पर जारी किया है, ठीक है। और ब्रांच वाइज लेकर आऊँगा फ्रेंड्स, और जो कितना हो सकता है अनुमानित लगाऊंगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने अभी यहाँ भी लगाया है और वहाँ भी बताऊंगा। मुंबई बोर्ड के बारे में देखिए फ्रेंड्स, जनरल के लिए कितना होगा, 82 से 92 जाने का संभावना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मुंबई बोर्ड के लिए, ठीक है। अब रहा बात ओबीसी, ओबीसी के लिए देखिए फ्रेंड्स 72 से 82 जाने की संभावना है, ठीक है, और एससी के लिए 61 से 70, और एससी के लिए 55 से 60। आप लोग यहाँ भी प्लस माइनस कर लीजिएगा हर जगह, ठीक है, हर हर बोर्ड के बारे में बता रहे हैं कि प्लस माइनस 2 से लेकर प्लस माइनस 5 तक कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा हो सकता है क्योंकि नॉर्मलाइज बाकी है और अभी आपका जॉन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स मालदा बोर्ड के लिए, मालदा बोर्ड के लिए देखिए जनरल के लिए आपका कितना जाएगा, 83 से 87 जाएगा, ठीक है। ओबीसी के लिए 70 से 78 जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे 65 से 70 जाएगा और 58 से 62 जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कुछ लोग को लगता होगा कि आखिर इतना कटअप क्यों जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आपका यहाँ पे कितना है, अगर आपका यहाँ पे 83 है, देखिए 83, अब मान लीजिए कि किसी का नॉर्मलाइज नंबर होगा यहाँ पे, तो मान लीजिए कितना, मान लीजिए 12 नंबर बढ़ता है किसी का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 95, ठीक है, ये हुआ मिनिमम। और इसमें अगर मान लीजिए 12 नंबर बढ़ता है तो लगभग कितना हो गया, 90, लगभग 103 नंबर, मान लीजिए जो भी है लगभग 110 नंबर लगभग होता है, ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 109 होता है लेकिन 110 मान लीजिए इस तरह से होता है, ठीक है। अब इतना मार्क्स रखते हो सकता है दोस्त, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 100 मार्क्स होगा, ठीक है, लगभग 100 मार्क्स होगा। देखिए इतना मार्क्स जो जाएगा आखिर, देखिए फ्रेंड्स आखिर इतना क्यों नहीं हो सकता है, ठीक, इतना बढ़ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए ओबीसी के लिए कितना है, 70 से 78 है। अगला हम देखते हैं एससी के लिए 65 से 70 जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। आगे हम बात करेंगे 58 से 62, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इतना जो जो कुछ भी है यहाँ पे रॉ मार्क्स दिखा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं सिकंदराबाद के लिए, सिकंदराबाद के लिए देखिए, सिकंदराबाद के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स जनरल के लिए है 80 से 85 है, ओबीसी के लिए 70 से 80 है, और आगे आपका है एससी के लिए है फ्रेंड्स, एससी के लिए है 60 से 70 के बीच में जाएगा, और एसटी के लिए 50 से 60 बीच में, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स कोलकाता बोर्ड, कोलकाता बोर्ड में थोड़ा सा फ्रेंड्स थोड़ा सा हाई जाने की संभावना होती है वहाँ पर, हर बार ऐसा होता है, ठीक है। देखिए 90 से 95, ठीक है, 90 से 95 जाएंगे, ओबीसी के लिए 82 से 88, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कुछ प्लस भी हो सकते हैं और कुछ माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इस बात को थोड़ा नोट कीजिएगा, बार बार ये चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स हम लोग एससी के लिए बात करेंगे, एससी के लिए कितना, 72 से 77 तक जाएंगे, एसटी के लिए 68 से 72 तक जाएंगे, ठीक है। आगे बात कर लीजिए हम लोग
चेन्नई बोर्ड के लिए। देखिए फ्रेंड्स, चेन्नई बोर्ड जनरल के लिए 78 से 88 जाएंगे, ओबीसी के लिए 68 से 78। फ्रेंड्स आपको मैं फिर से बोल देता हूँ, ठीक है, कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वहाँ अपने कमेंट कीजिए कि कौन सा आप जोन से हैं और कितना, कौन ब्रांच से हैं, कितना मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। उसी के अनुसार से मैं यहाँ पर कमेंट जो कि यहाँ पर बनाऊँगा, कटअप जो कि प्रत्येक ब्रांच वाइज रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना कमेंट जरूर करें, अपना राय जरूर दें कि कितना कितना मार्क्स आ रहे हैं, ताकि मैं बहुत जल्दी ब्रांच वाइज लेके आऊँगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, एससी के लिए 58 से 68, एसटी के लिए 55 से 58 है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, चंडीगढ़ के लिए यहाँ पे 92 से 98 है, ओबीसी के लिए कितना है, यहाँ पे जनरल के लिए था, ओबीसी के लिए कितना है, 87 से 90 तक है, ठीक। आगे हम बात करते हैं एससी के लिए, एससी के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 75 से 80 है और एसटी के लिए 68 से 70 गया है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कौन सा बोर्ड से है, कश्मीर बोर्ड का, ठीक है। कश्मीर बोर्ड में देखिए जनरल के लिए 90 से 96 जाएंगे, ओबीसी के लिए 80 से 86 जाएंगे, ठीक है। और रही बात फिर आपका एससी के लिए, देखिए एससी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे है, एससी के लिए 70 से 80 और एसटी के लिए 60 से 80, ठीक है फ्रेंड्स। ये फिर से बताता हूँ फ्रेंड्स, ये रॉ मार्क्स है, क्या है, रॉ मार्क्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, भुवनेश्वर बोर्ड के लिए देखिए फ्रेंड्स, जनरल के लिए 83 से 88 है और ओबीसी के लिए क्या है, 75 से 78। फ्रेंड्स इस बार क्या है कि रेलवे ने एक नियम लगाया अच्छा खासा, कि कम से कम आप किसी का नॉर्मलाइज नंबर होगा तो 15 से 20 तक हो सकता है हार्डली। ऐसा बात नहीं है कि ग्रुप डी जैसा हुआ था कि ग्रुप डी में किसी का 40 बढ़ गया है, किसी का घट गया है, किसी का बढ़ गया है। अब जो नॉर्मलाइजेशन से प्रक्रिया शुरू कर रहा है यहाँ पे, जो कि कौन सा पता है गेट वगैरह में जो यूज होता है फ्रेंड्स, उस तरह का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सब स्टूडेंट के लगभग लगभग एग्रीगेट कुछ नंबर बढ़ते हैं लगभग, और जो किसी का होता है 15 प्लस या तो फिर हार्डली 20 तक बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो कम से कम देखिए, अगर यहाँ पे 20 प्लस लगभग होता है आपका, तो कितना हो जाएगा, 103, ठीक है। और इसमें अगर 20 प्लस होता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 118 समथिंग या 120 समथिंग, बहुत ज़्यादा नंबर होता है फ्रेंड्स, देखिए, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, देखिए फ्रेंड्स, मेरा ओबीसी के लिए देखिए कितना है, 75 से 78 जाएंगे और जनरल के लिए यहाँ पे 88 से 83 बता दिए आपको, ठीक। आगे बात करते हैं हम एससी के लिए, एससी के लिए देखिए फ्रेंड्स 68 से 73 है, एसटी के लिए 58 से 66 तक है, ठीक है। यहाँ पे एससी के लिए 68 से 73 और एसटी के लिए 58 से 66, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं भोपाल बोर्ड, क्या फ्रेंड्स, भोपाल बोर्ड के लिए देखिए जनरल के लिए जो फ्रेंड्स है 79 से 89 तक जाएंगे और ओबीसी के लिए 72 से 70, ठीक है। और यहाँ पे रहा एससी के लिए 66 से 72 और एसटी के लिए 58 से 66, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं बेंगलुरु बोर्ड के लिए, देखिए फ्रेंड्स बेंगलुरु बोर्ड के लिए यहाँ पे है जनरल के लिए 86 से 96 गया है, ओबीसी के लिए 70 से 86 गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एससी के लिए 65 से 70 गया है, एसटी के लिए 60 से 65 गया है फ्रेंड्स, ये रॉ मार्क्स है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स अजमेर बोर्ड का, क्या बात करते हैं अजमेर बोर्ड का, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अजमेर बोर्ड के लिए जो है यहाँ पे 80 से 86 गया है, ओबीसी के लिए 76 से 80 गया है और एससी के लिए 66 से 76 गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और एसटी के लिए 58 से 68 गया है फ्रेंड्स। कुछ यहाँ पे बोर्ड का बाकी रह गया है, सॉरी फ्रेंड्स, जो जिन बोर्ड का अभी नहीं बना पाया हूँ फ्रेंड्स, जिन बोर्ड का बाकी है आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं जल्द लेकर आऊँगा। अपना मार्क्स शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है, आप लोग यहाँ पे शेयर कीजिएगा। फिर एनालिसिस तो मैं कुछ कुछ कर ही लिया हूँ, कुछ बाकी है, जो कि अपना कमेंट कीजिए कि किस जोन का मैं बनाऊँ और किस जोन का जो कि यहाँ पे है फ्रेंड्स, अपना कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।